ऐतिहासिक तस्वीरें जो आपने देखी वो अमेरिका से आई है। अमेरिका में जय भीम की गूंज सुनाई दे रही है क्योंकि वहां बसे अंबेडकरवादियों ने इतिहास रच दिया है। अमेरिका में बाबा साहब की अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति का अनावरण किया गया है। व्हाइट हाउस से चंद मील दूर स्टैचू ऑफ इक्वालिटी का अनावरण 14 अक्टूबर को किया गया। वॉशिंगटन डीसी के पास मैरीलैंड में डॉक्टर आम्बेडकर मेमोरियल में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा साहब की मूर्ति को स्टैचू ऑफ इक्वालिटी यानी समानता का प्रतीक नाम दिया गया है। दुनिया भर के अम्बेडकरवादी मैरीलैंड में अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर पर जुटे और इस ऐतिहासिक मौके के गवाह बने। बारिश के बावजूद बाबा साहब के अनुयायियों का जोश हाई रहा। हैदराबाद में डॉक्टर अंबेडकर की सबसे बड़ी मूर्ति तो आप सबने देखी ही होगी, लेकिन अब हूबहू ऐसी ही मूर्ति दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका में भी स्थापित की गई है। ये मूर्ति हैदराबाद में लगाई गई मूर्ति का ही छोटा वर्जन है और इसकी ऊंचाई 12 फीट है। अमेरिका में बाबा साहब की ये सबसे बड़ी मूर्ति है जो अमेरिका के हर शख्स को मानवता के सबसे बड़े पैरोकार बाबा साहब की याद दिलाएगी। गुड मॉर्निंग जय भीम एंड वेलकम एवरीवन। इट इज अ हिस्टोरिक डे फॉर अस। 14th अक्टूबर 2023 विल बी द डे इन द हिस्टोरी दैट विल बी रिमेंबर्ड एज द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी वाज नॉट ओनली एस्टैब्लिश्ड बट अनाउंसमेंट ऑफ अराइवल ऑफ बाबा साहब एज ए इंस्टीट्यूशन हियर। अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर एक शानदार प्रोजेक्ट है जिसमें सिर्फ बाबा साहब का स्टैचू ही नहीं बल्कि तथागत बुद्ध की मूर्ति, अशोक स्तंभ, बुद्धा गार्डन, सेंटर ऑफ नॉलेज और नालंदा लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। AIC ने 2013 में यहां 13 एकड़ जमीन खरीदी थी जिस पर ये स्मारक बनाया जा रहा है। यहीं पर अब बाबा साहब का स्टैचू स्थापित किया गया है। दुनिया के सबसे आइकॉनिक पोज को देखकर लोग न सिर्फ बाबा साहब को जानेंगे बल्कि उनके विचारों से भी अवगत होंगे। ग्लोबल आम्बेडकराइट कम्युनिटी की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर हम सबको गर्व है। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो को शेयर करें और द न्यूज बीक को सब्सक्राइब करें। अंत में एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsbeak@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, IFSC कोड है SB000235, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।